और चलिए अब बात करेंगे, सुलझ गया गद्दी का विवाद। जी हाँ, कालावाली में आपको बता दें, महात्मा वीरेंद्र को गद्दी सौंप दी गई है, यह बड़ी जानकारी है। तो डेरा जगमालवाली की गद्दी सौंप दी गई है महात्मा वीरेंद्र को। डेरा की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो सिरसा जिले के कालावाली डेरा मस्ताना शाह, आपको बता दें कि वसीयत अनुसार महात्मा वीरेंद्र को ये गद्दी सौंपी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि डेरा की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। सिरसा जिले के कालावाली डेरा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम जगमालवाली में डेरा प्रबंधक कमेटी और ग्रीवियंस कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पूजनीय महाराज बहादुर चंद वकील साहब के निधन के बाद डेरे की जो गद्दी है वो सौंपने की परंपरा का पालन करने पर विचार मंथन हुआ। पदाधिकारियों और ट्रस्टियों के निर्णय के लिए पूज्य महाराज के हुक्म की पालना के लिए संत वकील साहब द्वारा वसीयत अनुसार महात्मा वीरेंद्र को गद्दी सौंपी जाए। डेरा की परंपरा के अनुसार महात्मा वीरेंद्र को गद्दी सौंप दी गई। इस दौरान संत वकील साहब का परिवार भावुक हुआ। वकील साहब की बहन ने महात्मा वीरेंद्र के सिर पर हाथ रखते हुए डेरे को अब आप संभालो ये कहा। वहीं महात्मा वीरेंद्र ने कहा कि मैनेजमेंट कमेटी ने डेरा की परंपरा के तहत गद्दी सौंपने संबंधी कार्य किया है, लेकिन महात्मा वीरेंद्र अभी फिलहाल गद्दी पर नहीं बैठेंगे। तो डेरे में सिमरन चलता रहेगा और लेकिन नामदान नहीं दिया जाएगा। डेरे के अभी कामकाज ट्रस्ट सदस्य और महात्मा वीरेंद्र करते रहेंगे। जब तक कोई जांच सामने नहीं आ जाती तब तक महात्मा वीरेंद्र ना तो सत्संग को नामदान देंगे और ना ही किसी प्रकार का सत्संग करेंगे। हालांकि डेरे का संचालन महात्मा वीरेंद्र ही करेंगे। मेरे बैंक अकाउंट देखो, सारी चीजें हैं। मैं तो ये कहता हूँ भी हर चीज की है ना, महाराज जी की वसीयत की। और महाराज जी दिसंबर 2022 में बीमार हुए हैं, वहां से लेके अब तक जितना भी ट्रीटमेंट चला है, डेरे का सारा, हमारी कमेटी, हमारा ट्रस्ट, सारा मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसकी चाहे सीबीआई जांच कराओ, चाहे हाई कोर्ट के जज से जांच करो, जो भी चीज कहते, हमारे से कोई लेटर चाहिए, हमारे से कोई मता चाहिए, हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं। और मैं ये भी आप सब लोगों के माध्यम से सारी संगत के आगे हाथ जोड़ के उनके चरणों में बेनती करता हूँ कि आप लोग डेरे में आए। महाराज जी का कल का प्रोग्राम है, उसके अंदर शांति बना के रखें। हम वहाँ पे कोई गद्दी पे कोई नहीं बैठ रहा है, जब तक कोई जांच नहीं हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक ना तो मैं कोई सत्संग करूंगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल ये चीज कह रहा हूँ कि कोई, मैं मेरी तरफ से कोई सत्संग नहीं किया जाएगा। डेरे का जो काम है वो मैनेजमेंट देखती रहेगी, लेकिन जल्दी से जल्दी सारे सत्संगियों को चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री को लेटर लिखे, चाहे वो मुख्यमंत्री को लेटर। डेरे की परंपरा के मुताबिक डेरे की गद्दी को खाली नहीं किया जा सकता है। हमने मंत्री जी से कहा था कि आप इस गद्दी पर बैठें, परंतु उन्होंने इस पर काम करने से इनकार कर दिया। और जब तक किसी सरकारी एजेंसी से ये निजीमान निर्दोष साबित ना हो, तब तक मैं किसी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो संतों के लिए, जैसे कि नामदान देना या कोई सत्संग वगैरह करना, इस प्रकार का कोई भी काम वो नहीं करता करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। डॉक्टर जरूर चलेगा था, सारी मैनेजमेंट का, ट्रस्ट का और पंचायत का ये फैसला था कि डेरे की गद्दी को खाली नहीं छोड़ सकते, और इसलिए अब महात्मा जी बना के उनको आज एक रस्म पगड़ी टाइप करी है। और महात्मा जी ने भी ये किया है कि जब तक कोई भी एजेंसी से जांच नहीं हो जाती और साथ संगत की संतुष्टि नहीं हो जाती, तब तक वो कोई भी संतों वाली एक्टिविटी वो नहीं करेंगे, ना कोई सत्संग है, ना कोई स्टेज एक्टिविटी है। और तब तक ये आम जिस तरह पहले सेवा करते आए हैं, सारी डेयरी मैनेजमेंट को संभाल देते, यूएस कमेटी संभाल देते, वो डेयरी जो भी काम काज है उनको संभालते रहेंगे जी, और डेयरी की सेवा करते रहेंगे। जो डेरा कमेटी का फैसला जी, बाबा जी के परिवार का फैसला जी, बाबा जी का फैसला असी पंचायत वाले नाल सहमत हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे इस वक्त संवाददाता कालावाली से, हमारे साथ श्रवण प्रजापति लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। श्रवण, जरा जानकारी दें कि इस वक्त जो गद्दी का विवाद था वो सुलझ गया है, लेकिन पूरी तरह से अभी जो संचालन करना है गद्दी पर रहकर वो पूरा अधिकार कहीं ना कहीं अभी नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल दीप्ति, मैं बता दूं कि जिस तरह महात्मा बरेंद्र ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई जांच नहीं हो जाती पूर्ण तरीके से जो गद्दी पे नहीं बैठेंगे, नाम दाम सस्पेंड नहीं करेंगे। हालांकि डेरा का जो संचालन है वो ट्रस्ट के साथ मिलकर के करते रहेंगे, उनकी ओर से कहा गया है। भाई पंचायत, डेरा ट्रस्ट और परिवार के लोगों ने उन्हें गद्दी पर पगड़ी बांधकर परंपराओं के अनुसार दे दिया, क्योंकि डेरा की गद्दी खाली नहीं रह सकती थी। इस कारण डेरा की परंपराओं को मद्देनजर रखते हुए उन्हें गद्दी पे बिठाया गया है। देर रात्रि हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी, कहीं ना कहीं देखने में मिला कि मुख्य जो सीट है उनपे वो नहीं बैठे थे, फर्श पर ही एक सिंपल चादर बिछा करके बैठे थे। उनको वही वह सस्पेंड से मिल रहे हैं और उनका लोगों सस्पेंड से मिलने का सिलसिला है आज सुबह 9 बजे से भी जारी है। रूटीन में सस्पेंड से मिलते रहेंगे और तमाम जो आरोप उनपे लगे हैं कि जो बीमारी के दौरान सेवा नहीं हो पाई, वो उस प्रकार की आईसीयू की महात्मा वकील साहब की जो वीडियो है वो एक प्रोजेक्टर और एलईडी के माध्यम से डेरा में पूरी सस्पेंड को सुनाई जाएगी कि लास्ट तारीख तक जब तक महात्मा जी बोलते थे, लोग संगत से मिलते थे, वो सारे प्रूफ उनकी ओर से डेरा में सस्पेंड हाल में दिखाए जाएंगे। वहां पर मोबाइल और मीडिया अलाउड नहीं होगा क्योंकि वो प्राइवेसी है। वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि आईसीयू का वीडियो या फोटो है वो सार्वजनिक हो, एक मर्यादा है, संतों का मान सम्मान है। कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो वसीयत है उनकी लिखी हुई है, इसकी भी जांच हो, और जब तक संगत व जांच कमेटी जांच एजेंसी क्लीन चिट नहीं देती वह मुख्य गद्दी पे नहीं बैठेंगे। जी बिल्कुल। और सरवन देखिए, अब जो है संचालन महात्मा गांधी वीरेंद्र अभी नहीं करेंगे डेरे का, लेकिन इन सब के बीच जरा जानकारी दी अभी कब तक जो है उम्मीद जताई जा रही है कि जांच प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि गद्दी तो सौंप दी गई है लेकिन संचालन किस तरह से होगा इसकी क्या रूपरेखा तय की गई है? ये बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे डेरा का संचालन ट्रस्ट के लोग पहले करते थे उसी तरह संचालन जारी रहेगा। वही गद्दे की बात करें तो हमारे सूत्रों से खबर आई है, हमारी सुबह हमारे सूत्रों से बात हुई है कि कोई बड़ी शिकायत सीबीआई या प्रधानमंत्री तक नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं पुलिस के पास जो शिकायत है, पुलिस की ओर से जल्द एक एसआईटी कमेटी बनाई जाएगी, उसमें जांच की जाएगी और कागजात है वो चेक किए जाएंगे। फोरेंसिक लैब से वो जो डायरी है, लाल डायरी, जिसमें उजागर हुआ था कि प्रसिद्ध महात्मा वीरेंद्र के नाम संत चिकित्सा कर चुके हैं, उस डायरी की जांच हो सकती है। कहीं ना कहीं जल्द ही थोड़े दिन के अंदर ही 4 से 5 या 1 सप्ताह के अंदर मान लें कि जो जांच है पूरी हो सकती है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, लाखों संगत है, हरियाणा पंजाब यूपी देश प्रदेश व देशों से जांच जुड़ी हुई है, उनका आना भी जारी हो गया है। कहीं ना कहीं नाम दाम की प्रक्रिया है, उसके बाद ही जारी हो पाएगी और सत्संग भी जारी हो पाएगी। संगत भी चाहती है, क्योंकि यहाँ संत वकील साहब कहते थे कि इस डेरा की संगत ज्ञानी और समझदार है, वो किसी के पीछे नहीं लगेगी। संगत की ओर से भी डिमांड है, वो आने लगी है कि जल्द सत्संग का जो कार्यक्रम है महात्मा वीरेंद्र सिंह है जो एक संत के रूप में बैठ करके गद्दी पे शुरू करें, इस तरह की डिमांड है, संगत भी करने लगी है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसको जल्दी जांच करके उन्हें क्लीन चिट देगा, इस तरह की उम्मीद है कि वो सात संगत लगाए हुए हैं। जी ठीक है सरवन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।